नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम विवाद में इंसानों ने अब जानवरों को भी घसीट लिया है। नौबत ये आ गई है कि मामला निचली अदालत में नहीं बल्कि हाईकोर्ट जा पहुंचा है। विवाद की शुरुआत हुई एक शेर और शेरनी से। दोनों बंगाल के सिलीगुड़ी चिड़ियाघर में बंद है। 12 फरवरी को ही दोनों को त्रिपुरा से लाया गया था और सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में रखा था। शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रखा गया। जब दोनों को यहाँ पर लाया गया तो ये खबर सिलीगुड़ी के स्थानीय अखबार में भी छपी। अखबार ने अपनी हेडलाइन में लिखा, साथी की तलाश में सीता। विश्व हिंदू परिषद ने जब इस खबर को पढ़ा तो उन्हें मुद्दा मिल गया। बीएचपी ने थोड़ी और तफ्तीश करी तो पता चला कि शेर का नाम अकबर है। बस इसके बाद तो बवाल मच गया। बीएचपी ने सिलीगुड़ी के सफारी पार्क को तुरंत शेरनी का नाम बदलने को कहा, लेकिन सफारी पार्क के अधिकारियों ने इस पर ना कोई जवाब दिया और ना ही कोई कार्रवाई की। इसके बाद बीएचपी शेरनी का नाम बदलवाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी की सर्किट बेंच पहुंच गए। उन्होंने वहां अदालत से अपील की कि शेरनी का नाम बदला जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की। बीएचपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कई दिलचस्प टिप्पणियां भी की। उन्होंने सरकारी वकील को सलाह दी कि अपनी अंतरात्मा से पूछें और विवाद से बचें। उनका कहना था, पश्चिम बंगाल पहले से ही कई विवादों से जूझ रहा है, ऐसे में शेर और शेरनी के नामों पर होने वाले विवाद से बचा जा सकता था। किसी भी पशु का नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए जो आम लोगों के लिए आदरणीय हो। अदालत ने राज्य सरकार के वकील दिवज्योति चौधरी से सवाल किया कि क्या वो अपने पालतू जानवर का नाम किसी हिंदू देवी देवता या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे। जज का कहना था कि देश में एक बड़ा तबका सीता की पूजा करता है और अकबर एक धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट थे। क्या कोई किसी जानवर का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख सकता है? सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि इन दोनों पशुओं के नाम त्रिपुरा में 2016 और 2018 में रखे गए थे, लेकिन उनके यहाँ पहुँचने के बाद ही नाम पर विवाद शुरू हुआ है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिया कि इन दोनों के नाम बदल दिए जाएंगे। उन्होंने अदालत से बीएचपी की याचिका को खारिज करने की अपील भी की, लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ता को इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर करने की अनुमति दे दी। अब ये याचिका जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए जाएगी। 2 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल की दलील थी कि शायद प्यार से शेरनी का नाम सीता रख दिया गया है। उन्होंने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जनहित याचिका नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि उसने इस मामले पर जनहित याचिका क्यों नहीं दायर की है। उधर विश्व हिंदू परिषद के वकील शुभंकर दत्त के मुताबिक शेरनी का नाम हिंदू देवी के नाम पर रखे जाने के विरोध में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए उनका नाम बदलने का निर्देश दिया है। फिलहाल कोर्ट के दखल के बाद मामला सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इस मुद्दे को कोर्ट तक जाना चाहिए था? क्या सिलीगुड़ी सफारी पार्क अपने स्तर पर इस मामले को सुलझा कर कोर्ट का समय बचा सकता था ताकि वो किसी और संवेदनशील मुकदमे पर सुनवाई कर पाते? तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।